इस वीडियो में हम जीएमआर इंफ्रा या जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के स्टॉक की एक कॉम्प्रेहेंसिव एनालिसिस और किन संभावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये भविष्य में एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। जब हम स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक का चयन करते हैं तो गारंटी कुछ भी नहीं होती है, लेकिन हम संभावनाओं को तलाशते हैं और इन संभावनाओं को जानने के लिए जीएमआर इंफ्रा के पोटेंशियल ग्रोथ को देखेंगे, करंट मार्केट प्राइस पर उसको वैल्यूशन को चेक करेंगे और उसके बाद चलेंगे प्राइस चार्ट के ऊपर में, जहां पर इसकी मल्टी टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर संभावनाओं को तलाशेंगे कि क्या इसके पॉसिबल प्राइस टारगेट हो सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो गुलाम है अर्निंग्स, क्योंकि स्टॉक प्राइस तभी ऊपर जाएगी जब कंपनी की अर्निंग्स में ग्रोथ हो। अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए चेक करते हैं कि जीएमआर इंफ्रा की ग्रोथ का पोटेंशियल क्या है, एस्टिमेट क्या है, फोरकास्ट क्या है। तो इसकी अर्निंग जो है वो 84.5% से बढ़ने की संभावना है, जिसे हम ग्रोथ स्टॉक की कैटेगरी में डाल सकते हैं। वही रेवेन्यू 22.2% से बढ़ने की संभावना है, ये इसे एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बनाता है। चलिए अब इस स्टॉक के वैल्यूएशन को चेक करते हैं। तो अगर इस स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस को हम इसके इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू प्राइस से कंपेयर करें तो फिर तो स्टॉक एक्सपेंसिव नजर आता है 53.3%। लेकिन अगर इसके करंट प्राइस टू सेल्स रेशियो को देखें तो करंटली वो है 6.8, और फेयर प्राइस टू सेल्स रेशियो सिंपली वॉल स्ट्रीट ने जो कैलकुलेट किया है वो आता है 8.1। तो इस एस्पेक्ट में ये वैल्यूशन में रीजनेबल नजर। जब हम किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो हमें रिस्क के बारे में भी जानना अत्यंत आवश्यक है। तो इसका डेट इक्विटी रेशियो हम चेक करते हैं तो जीएमआर इंफ्रा का जो नेगेटिव शेयर होल्डिंग इक्विटी है वो कंसर्न का इश्यू है। कई बार हायर डेट इक्विटी रेशियो चलेगा, लेकिन ये ज्यादा सीरियस कंसर्न है कि नेगेटिव शेयर होल्डर इक्विटी यहां पर नजर आ। अब एक नजर डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो हिस्टोरिकली देखिए तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को 2.27% से 3.11% बढ़ाया है पिछले रिपोर्टिंग क्वार्टर मार्च 2024। वहीं प्रमोटर ने अपने प्लेज को 5.12% से घटाया। तो ये हमने ब्रॉडर फंडामेंटल्स अभी जीएमआर इंफ्रा के देखे। चलिए अब स्ट्रेट वे चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में, जहां इस स्टॉक के प्राइस चार्ट के ऊपर में मल्टी टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन को समझते हैं और क्या पॉसिबल प्राइस टारगेट हो सकते हैं उसको निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। विलिंग टू सक्सीड इन द स्टॉक मार्केट, ज्वाइन डीकेस डायमंड क्लब चैनल मेंबरशिप for fundamental and technical analysis. Learn strategies and risk management to stay ahead of the curve. Join now and attend our weekly meetings every Sunday. ये GMR Airports Infra का monthly price chart है NSE के ऊपर। सबसे पहले historical price action को समझते हैं। पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये analysis हम कर रहे हैं 27 जून को जब मार्केट क्लोज हो गया, तो एंड ऑफ द डे ये एनालिसिस की जा रही।
तो यहां पर अगर हम देखें तो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था वे बैक इन दिसंबर 2007 में, और ये ऑल टाइम हाई था 118.31, और उसके बाद एक मासिव वैल्यू में इरोजन हुआ। ये स्टॉक करीब 9-10 रुपए के रेंज में गिर के आ गया। उसके बाद आप देखिए एक टिपिकल राउंडिंग पैटर्न, राउंडिंग बॉटम पैटर्न का निर्माण हुआ। ये करेक्शन के बाद में पुल बैक हुआ, प्राइस यहाँ रिजेक्ट हो गई, और तब से देखिए ये ब्यूटीफुल राउंडिंग बॉटम पैटर्न, टेक्स्ट बुक स्टाइल राउंडिंग बॉटम पैटर्न का निर्माण। अब यहां पर देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे प्राइस ने कई महीनों तक कंसोलिडेट किया और इस कंसोलिडेशन बैंड से प्राइस बाहर निकल के आ रही है। और ये कंसोलिडेशन कहाँ हुआ, जो ये प्राइस का रेजिस्टेंस, ये देखिए ये प्राइस का रिजेक्शन पॉइंट जहां पे प्राइस ने कंसोलिडेट किया। 72 से 80.47 का जो जोन था वो एक रेजिस्टेंस एरिया। अब जून महीने की करीब करीब समाप्ति हो रही है और करंट मंथ में इस स्टॉक ने एक शानदार रिटर्न दिया है 17.3% का। उसके अलावा वॉल्यूम को देखिए, मासिव सर्ज इन दी वॉल्यूम है और मंथली चार्ट पर एवरेज वॉल्यूम से कहीं अधिक। तो पहले अगर हम इस राउंडिंग पैटर्न का अगर एक टारगेट निकालें, अभी तो जब इसके ऊपर में ट्रेड होगा तो ये राउंडिंग पैटर्न एक और ब्रेकआउट होगा जिसकी संभावना काफी प्रबल नजर आ रही है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, हम लोग एक राउंडिंग पैटर्न का टारगेट निकाल, ये देखिए ये राउंडिंग पैटर्न है, इसके हिसाब से अगर हम टारगेट प्रोजेक्ट करें तो इसका टारगेट आता है करीब 112, 113 के आसपास। इसका मतलब करीब करीब यहां पर टारगेट आता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि 100% एक्सपांशन का टारगेट आता है 136.8। इसका मतलब बहुत बड़ी संभावना है कि इसका भी इस लेवल का ब्रेकआउट होगा। इसके अलावा एक और प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये आप देखिए इस जगह पे प्राइस में एक एक्सॉशन हुआ था और एक बेरिश कैंडल बनी जिसकी लोअर शैडो थी 96.47, और करेंटली प्राइस कहाँ ट्रेड हो रही है, 99 के ऊपर। इसको आप देखते हैं कहाँ ट्रेड हो रही है, 99.24 के। इसका मतलब वो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था 96.47 का, इसके ऊपर में प्राइस ट्रेड हो रही है। तो काफी बड़ी संभावना है कि ये इस लेवल को भी ये तोड़ दे। अब ये इन एंटिसिपेशन में ये बोल रहा हूं प्राइस एक्शन को समझते हुए, अगर उस लेवल का ब्रेकआउट होता है तब इसका टारगेट क्या निकल सकता है, उसे निकालने की कोशिश करते हैं। तब इसका पहला टारगेट आ रहा है 174 और उसके बाद आ रहा है 213। तो काफी बड़ा पोटेंशियल बनता है अगर हम इन एंटिसिपेशन विद एक स्ट्रेटजी बनाए जिसमें रिस्क मैनेजमेंट तरीके से करें। यहां देखिए प्राइस ने करंट मंथ में सपोर्ट लिया है वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पे, तो अराउंड 72 के आसपास में इसने एक अच्छा बेस, इसमें पोटेंशियल रिटर्न क्या नजर आ रहा है, अगर हम राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा प्राइस एक्शन के अनुसार जो हमने चर्चा की, तो इसमें पोटेंशियल रिटर्न पहले टारगेट में आता है 670% और सेकंड टारगेट में आता है 107%। अब हम सभी जानते हैं कि टारगेट्स किसी भी चार्ट पैटर्न के मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं। बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है कि हम ट्रेंड को राइट करें। यहाँ देखिए कई महीने तक प्राइस ने कंसोलिडेट किया और फिर ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है जो काफी सिग्निफिकेंट है, और ये ब्रेकआउट एक हायर वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट होता हुआ नजर। अब चलिए बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। यहां देखिए वीकली प्राइस चार्ट में क्लियर है कि प्राइस ने कई दिनों तक ये कंसोलिडेट किया। क्या यहां पर हमें कोई चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये आप देखिए बुलिश फ्लैग का यहां पर ब्रेकआउट हुआ, किस वीक में ब्रेकआउट हुआ, 10 जून को जो वीक की शुरुआत हुई उस वीक में ब्रेकआउट हुआ,
और देखिए मासिव सर्ज था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था जब ब्रेकआउट हुआ। तो अगर मैं इस के हिसाब से टारगेट निकालूं, इस बुलिश फ्लैग के हिसाब से, तो ये इसका पोल है। तो चलिए इस टारगेट को प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये मैं मेजर करता हूँ पोल की हाइट, और इसे मैं प्रोजेक्ट करता हूँ पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से। तो फिर इसका टारगेट आ रहा है 108 पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट आ रहा है 123.6, जो ऑल टाइम हाई जो है 118 उसके ऊपर आ रहा है। ये सारी संभावनाएं मैं इससे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी चीज गारंटीड नहीं हो सकती है, पॉसिबिलिटीज जरूर हो सकती है। और यहां अगर हम इस रेंज के ब्रेकआउट की बात करें, तो चलिए उस हिसाब से भी टारगेट निकालते हैं कि इस रेंज के हिसाब से क्या टारगेट आता है। तो चलिए इस रेंज के हिसाब से टारगेट प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये पहला टारगेट तो इसने करीब करीब अचीव कर लिया है। तो इसका अगला टारगेट 107.46 है। मैं कई तरीके से टारगेट निकाल के आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइस एक्शन इस बात को सजेस्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं अपसाइड क्वेश्चन है इसमें, ऊपर मूव करने का क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में। अब यहाँ डेली प्राइस चार्ट में देखें तो यहाँ भी हमें बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट नजर आ रहा है। ये देखिए ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट नजर आ रहा है, और उस बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट कब हुआ? 26 जून को, लेकिन वॉल्यूम उस दिन नहीं था, लेकिन उसका फॉलो थ्रू हो चुका है आज। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन है, बॉटम 1, बॉटम 2, बॉटम 3। तो जैसा मैंने बोला 72 रुपीज पे इसने एक अच्छा बेस बनाया है। ये इसका रेजिस्टेंस था, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, तो इसका ब्रेकआउट हो गया है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का अच्छा नजर आ रहा है। अब मोमेंटम को देखते हैं, तो मोमेंटम 60 को, RSI जो है 60 के ऊपर है, और जब भी ये कंसोलिडेशन हो रहा है, करेक्शन हो रहा है, RSI 60 पे सपोर्ट लेता है। वीकली चार्ट में भी एक बार RSI को देखते हैं, तो वीकली चार्ट में भी RSI 60 के ऊपर में है, और बुलिश स्विंग ब्रेकआउट हुआ है 60 के ऊपर में। मंथली चार्ट में भी एक बार RSI को देखते हैं, तो RSI यहाँ भी 60 के ऊपर है। हमने क्या देखा कि मोमेंटम तीनों टाइम फ्रेम में, अक्रॉस द टाइम फ्रेम, मंथली, वीकली, डेली में मोमेंटम बहुत अच्छा नजर आ रहा है। तो ये स्टॉक क्या मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगा? तो प्राइस एक्शन को देख के तो लग रहा है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से होने से भारत सरकार का भी काफी मेजर पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कई एयरपोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं देश में, जहां पर GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रा को फायदा पहुंच सकता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी के इन लाइन भी है ये स्टॉक, और प्राइस चार्ट इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि प्राइस एक्शन इंडिकेट करता है कि बुल्स इसमें कंट्रोल में नजर। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये स्टॉक वो राउंडिंग बॉटम पैटर्न ऑल टाइम हाई के ऊपर में जाके जो टारगेट्स डिस्कस किए गए हैं, क्या वो उन्हें अचीव करने की क्षमता रखता है? अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक लगता है वो क्षमता, तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन, और अगर नहीं लगता है तो अपनी रीजनिंग को देके आप कमेंट्स जरूर कीजिए, ताकि हम आपस में सीख सकें और इस चैनल को एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म बना सकें। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अति शीघ्र।